हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू टच इन हिंदी। और आज हम सीखेंगे ज़ैम्प को इंस्टॉल कैसे करना। अब मैं सबसे पहले सॉरी बोलना चाहूँगा क्योंकि मैंने पहले कहा था कि मैं उसे इंस्टॉल करते हुए नहीं बता पाऊँगा, लेकिन मुझे लगा कि इसकी इंस्टॉलेशन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसलिए अब हम इसे इंस्टॉल करना सीखेंगे इस वीडियो में। अब आप इस लिंक पर आइएगा, इसकी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, या फिर आप हमारे पहले वीडियो पर जाइए, वहाँ पर आपको लिंक मिलेगी। आप यहाँ पर आएंगे और कुछ स्टेप्स मैंने लिख के रखे ताकि आपको आसानी हो। तो आप सबसे पहले स्टेप वन में डाउनलोड ज़ैम्प करेंगे। आप वैम्प करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मैं ज़ैम्प करने वाला हूं तो मैं प्रेफर ये करूंगा कि आप भी वही यूज़ करें। फिर आप जैसे ही ज़ैम्प इंस्टॉल करेंगे, सॉरी उस लिंक पर क्लिक करेंगे, आपको ये वाला पेज खुल जाएगा। फिर आपको ज़ैम्प फॉर विंडोज़ यूज़ करना है क्योंकि मैं विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ तो मैं विंडोज़ वाला वर्जन इंस्टॉल करूँगा। आप यहाँ पर 32 बिट, मतलब आप किसी भी वर्जन को इंस्टॉल कर सकते हैं, 8.2 या फिर 8.3। मेरे पास इंस्टॉलर पहले से है तो इसलिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे एक दूसरी वेबसाइट खुलेगी, सॉरी वो अपाचे का डाउनलोड पेज खुलेगा और वो आपका इंस्टॉलर डाउनलोड करने के लिए प्रॉम्प्ट करेगा। होपफुली हाँ ये आ चुका है जैसे कि आप देख सकते हैं। अब क्योंकि मेरे पास सेटअप ऑलरेडी है तो इसलिए मैं इसे डाउनलोड नहीं करूँगा, तो मैं यहाँ पर क्लिक कैंसिल करूँगा। आप उसे सेव करेंगे, फिर अब मैं अपने इंस्टॉलर तक जाऊँगा और सॉफ्टवेयर, और मैं आप यहाँ इंस्टॉलर पर क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पे यस क्लिक करूँगा। हमें परमिशन ग्रांट करनी पड़ेगी और आप इसे यस कर सकते हैं क्योंकि मेरे कंप्यूटर में एंटीवायरस है, इसलिए मुझे यस करना पड़ेगा। हालांकि मुझे यस ही करना पड़ेगा, फिर ये एक वार्निंग है इसलिए हमें ओके करना पड़ेगा। फिर इंस्टॉलेशन स्टार्ट होने वाला है तो हम यहाँ पर नेक्स्ट क्लिक करेंगे। फिर हमारी कुछ डिफ़ॉल्ट कन्फिग्रेशन है, इसे जैसा है इसे वैसा रहने दीजिए। नेक्स्ट क्लिक कीजिए, फिर ये अपना फोल्डर और डिफ़ॉल्ट फोल्डर और पाथ चूज़ कर रहा है तो इसे डिफ़ॉल्ट रहने दीजिए। नेक्स्ट क्लिक कीजिए, फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक कीजिए और ये मुझे नहीं पता कहाँ कुछ बिटनॉमी का है, और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए और आपका ये इंस्टॉलेशन पार्ट स्टार्ट होने लगा। यहाँ पे लिखा रन पैकिंग फाइल्स। तो इंस्टॉलेशन मेरे हिसाब से काफ़ी सिंपल है। अगर आपको फिर भी कुछ प्रॉब्लम हो रही हो तो आप ऑफकोर्स इस वीडियो को फिर से देख सकते हैं, जैसा मतलब मैं बताया आप वैसा कीजिए। शायद एक दो चीज़ें आपके में डिफरेंट हो सकती हैं क्योंकि वर्जन वाइज, लेकिन मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट हर चीज़ें वैसी होनी चाहिए जैसे मैंने आपको दिखाया है। अब दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब तक इंस्टॉलेशन हो रहा है, फिर दूसरी चीज़ हमें ये करनी है कि हमें ये सारी लिंक्स क्लोज़ कर देता हूँ। अब दूसरी चीज़ हमें ये करनी है, हमारे पास एक टेक्स्ट एडिटर होना चाहिए। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, मतलब मैं जो आपको बताने वाला हूँ, जो फ्री ऑप्शन है हमारे पास, हमारे पास एक ऑप्शन है अपटाना स्टूडियो यूज़ करने का 3.6, जिसे मैं यूज़ करने वाला हूँ। एक IDE है, ये अराउंड 100 MB की है, तो ये थोड़ा टाइम कर ले सकती है डाउनलोड होने में डिपेंडिंग अपॉन योर इंटरनेट स्पीड। फिर आपके पास एक चॉइस है नोटपैड प्लस प्लस की, ये लिंक काम नहीं कर रही है, थोड़ा प्रॉब्लम जा रहा है। आप नोटपैड प्लस प्लस पर आएंगे, डाउनलोड इंस्टॉल, यहाँ पे इनका कुछ पेज का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। जब मैंने क्योंकि लिंक जब यूज़ करी थी तब वो वर्क कर रही थी, तो आप ये डाउनलोड सेक्शन हटाएंगे, नोट पैड प्लस प्लस, या फिर आप गूगल पे आएंगे, नोट पैड प्लस प्लस टाइप करेंगे और आपको पहली जो लिंक मिलेगी। फिर आप यहाँ पे आके डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे और ये वाली लिंक, आप जैसे ही डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे, इनका वेबसाइट में कुछ प्रॉब्लम मेरे हिसाब से। चलिए कोई बात नहीं, अभी के लिए हो सकती है। तो आपके पास एक ऑप्शन है फाइल हिपो और आप यहाँ से कर सकते हैं नोट पैड प्लस प्लस, आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा नोट पैड प्लस प्लस, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इसकी लिंक आप डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा क्योंकि ये वाली लिंक अनफॉर्चुनेटली वर्क नहीं कर रही, क्योंकि जब मैंने ये लिंक बनाई थी तब ये वर्क कर रही थी, अभी नहीं कर रही है, तो मैं आपको ये वाली लिंक भी देने वाला हूँ। तो आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो अगर आप चाहें तो अपटाना स्टूडियो कर सकते हैं। यहां पे डाउनलोड क्लिक करेंगे आप और हमारा डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि ये मेरे पास सेटअप है इसलिए मैं इसे डाउनलोड नहीं करने वाला। आप देख सकते हैं 131 MB का है, तो इसमें भी कुछ नहीं करना है। फिर हम देखते हैं हमारा इंस्टॉलेशन कितना कम्प्लीट हुआ। हमारा इंस्टॉलेशन अराउंड हाफ हो गया है। फिर आपके पास एक ऑप्शन और एक चीज़ और, आपको एक वेब ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे तीन लिंक्स दिए आपको, एक हमारे पास ऑप्शन है फायरफॉक्स जिसे मैं यूज़ करने वाला हूँ। ब्राउज़र आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ओपेरा हुआ या फिर गूगल क्रोम हुआ, आप जो यूज़ करना चाहें उसे कर सकते हैं।
अभी हम इस सीरीज़ में सिर्फ अपनी लोकल मशीन में पीएचपी रन करेंगे और आगे आने वाली सीरीज़ में हम इसे एक वेबसाइट पर भी रन करेंगे। मतलब हम एक खुद का एक डोमेन लेंगे जो फ्री रहेगा, उसमें थोड़ी बहुत होस्टिंग लेंगे और उससे हम अपनी पीएचपी की वेबसाइट रन कर सकते हैं। तो आप अपने दोस्तों को भी दिखा पाएंगे एक पर्टिकुलर एड्रेस से, तो वो अभी हम नहीं सीखेंगे, हम वो थोड़े आगे चल के सीखेंगे। आप चाहें तो गूगल क्रोम यूज़ कर सकते हैं, चाहें तो ओपेरा यूज़ कर सकते हैं और चाहें तो फायरफॉक्स यूज़ कर सकते हैं। तीनों फ्री हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं जाने वाली। और हमारा इंस्टॉलेशन ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, आप कोई भी ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। और मैं यहाँ पे इसे नो करूँगा और इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए अभी तक। क्रिएटिंग इंस्टॉलर, और ये हमारा इंस्टॉल हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब आपके पास एक स्क्रीन आएगी, आप इस पर टिक कर दीजिए यहाँ पे जो लिखा है डू यू वॉन्ट टू स्टार्ट कंट्रोल पैनल नाउ, तो आप फिनिश करेंगे और वो कंट्रोल पैनल ओपन हो जाएगा। अब अगर आपने कंट्रोल पैनल ओपन नहीं कर पाए, मतलब आपने वो नहीं क्लिक किया और ये कंट्रोल पैनल आपको नहीं मिला, तो अगर आप विंडोज़ 8 यूज़ कर रहे हैं तो आप विंडो की दबाएंगे, फिर वहाँ पर टाइप करेंगे XAMPP। तो आप देख सकते हैं आपके पास तीन प्रेफरेंस आएंगे, जैम्प कंट्रोल पैनल, जैम्प HD डॉक्स फोल्डर, बिटनामी फॉर जैम्प। आप जैम्प कंट्रोल पैनल पर क्लिक करेंगे। अब अगर आप विंडोज 7 यूज़ कर रहे हैं तो आप स्टार्ट मेनू पर जाएंगे और वहाँ पर जैम्प टाइप करेंगे और जैम्प को ओपन करेंगे। और जैसे ही आप ओपन करेंगे आपके पास कुछ ऐसी स्क्रीन आने वाली है। आप देख सकते हैं कॉम्प्लिकेटेड लग रही होगी, लेकिन ये बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हमें सिर्फ यहाँ पे दो बटन यूज़ करते हैं। एक बटन यहाँ पे है जो अपाचे के साइड में दिख रहा है, आप यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करेंगे और ये स्टार्ट हो गया। आपको यहाँ पे ग्रीन दिखना चाहिए और यहाँ पे भी यहाँ पे कुछ मैसेज आना चाहिए कि रनिंग। आप देख सकते हैं स्टेटस चेंज डिटेक्टेड रनिंग, मतलब हमारा अपाचे वेब सर्वर रन होने लगा है। MySQL की अभी हमें ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी आप इसे स्टार्ट पर क्लिक कर दीजिए और ये हमारा MySQL भी स्टार्ट हो जाएगा। फिर आप अपने फेवरेट ब्राउज़र पे आइए। अब मैं यहाँ पे सारी विंडो क्लोज़ कर दूँगा क्योंकि हमारा काम हो चुका है। और मैं यहाँ पे टाइप करूँगा, आप ध्यान से देखिएगा, LOCALHOST, और मैं यहाँ पे एंटर क्लिक टाइप करूँगा। आपकी पहली स्क्रीन ये आने वाली है जैम। अब क्योंकि ये हिंदी में नहीं है इसलिए हमें इंग्लिश पे क्लिक करना पड़ेगा। हम इंग्लिश पे क्लिक करेंगे और हमारा जैम्प इंग्लिश में आने लगेगा। आप देख सकते हैं पूरा विंडो आ रही है। थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसमें हमें सिर्फ एक या दो चीज़ें देखनी है। एक चीज़ हमारे पास PHP इन्फो है, ये हम आगे सीखेंगे इसका यूज़ क्या है। अभी के लिए आप देखिए ये चल रहा होगा। फिर हमारे पास एक PHP माई एडमिन टूल है, ये मैं आपको आगे समझाऊंगा। ये कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा बहुत, लेकिन ये सिंपल भी रहेगा आपको समझने में, क्योंकि ये पूरा GUI बेस्ड है, आपको इसमें कुछ ज़्यादा करना नहीं। तो ये भी हम सीखेंगे। और फाइल जिला की हमें ज़रूरत नहीं, मेल की हमें ज़रूरत नहीं। तो ये हमारा PHP माई सॉरी जैम्प का कंट्रोल पैनल हुआ। अब हेलो वर्ल्ड का जो प्रोग्राम है वो हम बना के देखते हैं इसमें। तो मैं वीडियो थोड़ा बहुत पॉज करूँगा और फिर इसे आगे बढ़ाऊँगा।